टाली मेरे आव का जन्म जनवरी 28, 1918 को नागालैंड के मोकोकचुंग जिले के चांगकी विलेज में हुआ था। टाली मेरे इस लिहाज से भाग्यशाली थे कि उनका फुटबॉल खेलने का टैलेंट बचपन में ही लोगों को पता चल गया था और इस वजह से वो इस टैलेंट को अच्छी तरह से यूज कर सके। जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे तब अपने फुटबॉल खेलने की टैलेंट से उन्होंने अपने आसपास के लोगों को काफी इंप्रेस कर दिया था। यहां तक कि अमेरिकन मिशनरीज को लगा कि अगर ताली मेरेन को अच्छे तरीके से गाइड किया जाए तो वह एक अच्छे फुटबॉलर बन सकते हैं। 1938 को उन्हें आसाम के कॉटन कॉलेज फुटबॉल टीम का कैप्टन बनाया गया जब वो ISC की फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहे थे। उन दिनों हर साल कॉटन कॉलेज और सिलहट के मुरारी चंद्र कॉलेज के बीच फ्रेंडली फुटबॉल मैचेस होता था। जब ताली मेरेन अपने ISC का फाइनल एग्जाम दे रहा था उसी समय वो अपने कॉलेज के फुटबॉल टीम के कैप्टन भी थे। उनके लिए यह एग्जाम इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो उस समय एक अकेले नागा थे जो साइंस पर रहा था और उनके लिए अपने लोगों के रेपुटेशन काफी मायने रखता था। इसी के चलते ताली मेरेन ने अपने प्रिंसिपल और प्रोफेसर से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि उनका नाम फुटबॉल मैचेस से हटा दे और किसी और को उनके जगह खिला ले। तब तक ताली मेरेन ने अपने लगभग सारे एग्जाम दे दिए थे सिवाय एक एग्जाम के। क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छे थे उनके प्रोफेसर ने उन्हें उस एक एग्जाम से एक्सक्यूज कर दिया। पहले मैच में कॉटन कॉलेज ने मुरारी चंद कॉलेज को एक गोल से हरा दिया और वह अकेला गोल ताली मेरेन ने किया था। यह अचंभित करने वाला खबर जल्द ही सिलहट में बंगाली फुटबॉल फैंस के बीच में फैल गया क्योंकि मुरारी चंद कॉलेज को 13 साल बाद कॉटन कॉलेज की टीम ने हराया था। कैप्टन ताली मेरेन और उनकी टीम ट्रॉफी को अपने कॉलेज वापस ला रहे थे 13 साल के बाद। इसके बाद लोगों में ताली मेरेन के बारे में जानने के लिए काफी क्यूरियोसिटी उत्पन्न हुआ, स्पेशली तब जब ताली मेरेन के टीममेट्स ने यह र्यूमर्स फैलाना शुरू कर दिया कि ताली मेरेन एक नागा हेड हंटर थे। ताली मेरेन के पिता का यह आशा था कि उनका लड़का एक डॉक्टर बने और अपने पिता के इसी सपने को पूरा करने के लिए ताली मेरेन ने RG कर मेडिकल कॉलेज जो कि कलकत्ता में था वहां एडमिशन ले लिया। जब ताली मेरेन गुवाहाटी में थे तब वह शरद दास नामक एक व्यक्ति के साथ महाराणा क्लब के लिए फुटबॉल खेलते थे। बाद में शरद दास कोलकाता के मोहन बागान क्लब के लिए फुटबॉल खेलने लगा। जब शरद दास को यह पता चला कि ताली मेरेन कोलकाता में है तो वह ताली मेरेन के हॉस्टल पहुंच गए। उन्होंने ताली मेरेन को तभी मोहन बागान क्लब का एक रजिस्टर्ड मेंबर बना दिया और साथ ही साथ इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन का भी। 1948 में जब आजाद भारत का पहला फुटबॉल टीम का गठन किया गया जो भारत को लंदन ओलंपिक में रिप्रेजेंट करने वाला था तब ताली मेरेन आओ को उस टीम का कैप्टन बनाया गया। भारत का पहला मैच वर्मा के विरुद्ध था जो भारत ने जीत लिया था। दूसरा मैच फ्रांस के खिलाफ था जिससे भारत जीत नहीं पाया। इंडियन टीम ने यह मैचेस बिना जूते पहने खेले थे। दुनिया भर के लोग इंडियन टीम को और पार्टिकुलरली ताली मेरेन आओ को बिना जूते लगाए फुटबॉल मैचेस खेलते हुए देखकर दंग रह गए थे। इसी के चलते उन्हें बैफुटेड जीनियस भी कहा जाने लगा। कुछ दिन बाद जब इंडियन टीम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तब किसी ने ताली मेरेन को पूछा कि वो बिना जूते के फुटबॉल क्यों खेलते हैं। इसके उत्तर में ताली मेरेन ने कहा कि वो फुटबॉल खेलते हैं बूटबॉल नहीं। इसके बाद ताली मेरेन दुनिया के अलग अलग देशों में घूमे पार्टिकुलरली साउथ ईस्ट एशिया और दूसरे एशियन देशों में। एक बार ढाका में जब उनका टीम एक मैच खेलने वाला था उन्होंने यह फैसला लिया कि वो मैच नहीं खेलेंगे और उनके जगह दूसरे किसी प्लेयर को अपॉर्चुनिटी देंगे। लेकिन जब वो मैदान में खेलने नहीं उतरे तो लोग शोर मचाने लगे और क्रोधित हो गए। उन्होंने दूसरे खिलाड़ियों को भी मैदान के अंदर आने नहीं दिया। इसे देखकर ऑफिशियल्स ने ताली मेरेन को रिक्वेस्ट किया कि वो मैदान में जाए और मैच खेले। जब वो मैदान में गए तो लोगों ने शोर मचाना बंद कर दिया और उन्हें उत्साहित करने लगा। हालांकि ताली मेरेन एक सक्सेसफुल फुटबॉल खिलाड़ी थे पर उन्होंने कभी भी अपने पिता का सपना नहीं छोड़ा और 1950 में MBBS कंप्लीट कर डॉक्टर बने। उन्हें आर्सेनल के लिए खेलने का न्योता भी आया था लेकिन उन्होंने एक सिंपल लाइफ व्यतीत करने का फैसला लिया। 1952 को वह डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज में एज अ रजिस्ट्रार काम करना शुरू किया। अगले ही साल उन्हें कोहिमा में एज एन असिस्टेंट सर्जन ट्रांसफर कर दिया गया। 1956 में डॉक्टर ताली मेरेन ने डेकिम डिंगल से शादी कर ली। डेकिम डिंगल से उनकी मुलाकात कोहिमा में हुआ था। वह एक नर्स थी। 1968 को उन्हें ऑल इंडिया फुटबॉल सिलेक्शन कमेटी का सदस्य बनाया गया। 1972 को उन्हें ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स का सदस्य बनाया गया। वो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स के एग्जीक्यूटिव कमेटी के भी सदस्य थे और नागालैंड स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल मेंबर सेक्रेटरी भी रहे।
एक्ट रिटायरमेंट के बाद डॉक्टर तालिमेरिन दीमापुर में ही बस गए और सितंबर 3, 1988 को कुछ दिन बीमार रहने के बाद उनका निधन हो गया। उनकी उपलब्धियों की विरासत हमेशा लोगों को इंस्पायर करते रहेंगे।